तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए बजट कॉलिंग स्मार्ट वॉच की अनबॉक्सिंग वीडियो लेकर आया हूँ, एंड वो है नॉइस कलर फिट कैलिबर वॉच। देखिए, बहुत सारे लोगों की डिमांड होती है कि बजट प्राइस रेंज में एक कॉलिंग स्मार्ट वॉच चाहिए, साथ ही में डिस्प्ले अच्छी होनी चाहिए और बैटरी बैकअप भी। तो ये सभी फीचर्स आपको इस स्मार्ट वॉच में आपको देखने को मिलते हैं। जी हाँ, साथ ही मैं आपको ये भी बता दूँ, अगर आप इस स्मार्ट वॉच को लेने का सोच रहे हो तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। और साथ में मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है, जो आप मेरी वीडियो देख रहे हो नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा, जस्ट आप टैप करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी मजा आएगा ना वीडियो। नॉइस कलर फेट कैलिबर बस कुछ इस तरह का आपको बॉक्स देखने को मिलेगा, एंड हम यहाँ पे बॉक्स को ओपन करते हैं। देखिए क्या क्या चीज़ें आपको बॉक्स में यहाँ पे दी गई। जैसे आप बॉक्स को ओपन करोगे, यहाँ से आपको कुछ इस तरह से इसे ओपन करना है। यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, मीन्स कुछ पेपर वर्क रहेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। फर्स्ट आपको मिलते हैं यहाँ पे कुछ स्टिकर्स, आप चाहे तो कहीं भी इसे लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे नॉइस का वारंटी कार्ड, जहाँ पे आप बारकोड को स्कैन करके वारंटी क्लेम कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे मिलता है यूज़र मैनुअल, अगर आपको पता नहीं कैसे यूज़ करना है तो आप रीड करके यूज़ कर सकते हैं। एंड अंदर देखते हैं क्या क्या चीज़ें दी गई है। यहाँ पे आती है हमारी स्मार्ट वॉच, तो हम इसे ऐसे बाहर निकाल लेते हैं। एंड लास्ट में आपको यहाँ पे मिलता है चार्जिंग केबल, जो कि वायर्ड चार्जिंग है, आप इसे लगा के चार्ज कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्मार्ट वॉच के बिल्ड क्वालिटी, डिज़ाइन और स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, इस स्मार्ट वॉच में आपको पॉलीकार्बोनेट बॉडी मिलती है, मींस पूरी प्लास्टिक की बॉडी है, बट इतना मैं बोलूँगा क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। साथ में राइट साइड में अगर आप देखते हो तो आपको बटन मिलता है, बट ये रोटेटरी क्राउन बटन नहीं है, जस्ट ए नॉर्मल बटन है। उसी के नीचे आपको माइक दिया गया है। पीछे के साइड में सारे सेंसर्स मेंशन है, और उसी के राइट साइड में आपको स्पीकर ग्रिल मिलती है। साथ में आपको ये भी बता दूँ, जो स्ट्रैप्स क्वालिटी है ना, ये भी आपको बहुत ही अच्छी मिलती है इस प्राइस सेगमेंट में। जी हाँ, सिलिकॉन स्ट्रैप्स है और ये चेंजेबल स्ट्रैप्स है। जी हाँ, आप इजीली चेंज कर सकते हैं, बटन का सिस्टम है, आप बटन पे टैप करके इजीली वॉच के स्ट्रैप्स को चेंज कर सकते हैं। और इस स्मार्ट वॉच को कनेक्ट करने के लिए आपको नॉइस फिट एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा आपके मोबाइल फोन में, और इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, जस्ट आप क्लिक करके एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लोगे, आपको वॉच को कनेक्ट कर लेना है, या फिर आप स्कैन करके भी कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर वो ब्लूटूथ के थ्रू डिटेक्ट कर लेगा। उसके कनेक्ट हो जाने के बाद में सारे आपको फीचर्स देखने को मिलेंगे, जहां पे वॉच फेसेस है, सारे में नोटिफिकेशन, अलर्ट, कॉलिंग सेटिंग्स, बहुत सारे सेटिंग्स मिलते हैं। जो भी सेटिंग्स आपको सेट करनी हो, आप एप्लीकेशन में जाके सेट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस स्मार्ट वॉच के डिस्प्ले की बात करते हैं। आपको इसमें 1.69 इंचेस की 240x280 पिक्सल्स रेजोल्यूशन की TFT डिस्प्ले मिलती है। देखिए, डिस्प्ले बहुत ही अच्छी है इस प्राइस सेगमेंट में, ये मैं जरूर बोलूंगा। 500 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस मिलती है, इंडोर के साथ साथ आउटडोर में भी एक ब्राइटनेस डिस्प्ले। साथ में अगर आप साइड के बेजल्स की बात करते हो, बहुत ही कम है, बट चेन साइज एवरेज है। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे जरूर बोलूंगा, अगर आप ब्लैक टाइप के वॉच फेसेस यूज करते हो यहाँ पे वॉच के स्क्रीन पे, तो साइड के बेजल्स और चेन साइज बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेंगे, बट अगर आप कलरफुल यूज करते हो वॉच फेस, तो चेन साइज थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और एक चीज, अगर आपको आपकी फोटो रखनी है तो आप एप्लीकेशन में जाके आपकी फोटो भी रख सकते हैं वॉच फेस पे। सो इस प्राइस सेगमेंट में मुझे लगता है कि एक बेस्ट स्मार्ट वॉच है और बेस्ट डिस्प्ले भी है। नॉइस कलर फेट कैलिबर बस के कॉलिंग फीचर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। स्मार्ट वॉच में जो आपको बटन दिया गया, आपको इसे प्रेस करना होगा। जैसे आप यहाँ पे प्रेस करोगे, आपको सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। आपको यहाँ पे नॉइस बस का एक ऑप्शन मिलेगा, जस्ट आप इस पर टैप कर लीजिए। जैसे आप इस पर टैप करोगे, आपको यहाँ पे 3 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। फर्स्ट है कॉन्टैक्ट का ऑप्शन, सेकंड है डायल पैड, थर्ड है कॉल हिस्ट्री। आपको कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन के थ्रू सेव करना होगा, यहीं पर आपको शो करेगा। देन नीचे आपको डायल पैड का ऑप्शन मिलता है, नीचे कॉल हिस्ट्री। कॉल हिस्ट्री में जाके आप जस्ट चेक कर सकते हैं कौन से आपको रिसेंट कॉल आए हैं। फिर आपको डायल पैड में जाके आप इजीली कोई भी नंबर को यहाँ से डायल कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे 198 डायल किया। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूँ, अगर कॉन्टैक्ट सेव हो गए तो आप जैसे जैसे स्लाइड कर सकते हैं, सभी चीज़ें आपको यहाँ पे शो होगी। एंड जो इनकमिंग कॉल इंटरफेस है, कुछ इस तरह से आपको वॉच के स्क्रीन पे दिखाई देगा। और एक चीज मैं यहाँ पे ये भी बोलूंगा, जब कॉल आता है तो एक छोटी सी म्यूजिक भी प्ले होती है, साथ में जो वॉच है ये वाइब्रेट भी करती है। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस प्राइस सेगमेंट में नॉइस ब्रांड जो है ये आपको प्रोवाइड करता है। स्क्रीन पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जहां पे आप कॉल को आंसर कर सकते हैं या फिर आप कॉल को रिजेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने नंबर सेव किया है तो ऊपर वहां पे नेम शो होगा, अदरवाइज नंबर वहां पे आपको दिखाई देगा। साथ ही में जैसे
से आप कॉल कनेक्ट हो जाता है तो आपको स्क्रीन पे 3 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये है कॉल म्यूट का, जस्ट आप टैप करके कॉल को म्यूट कर सकते हैं। और ये सब जो फीचर्स है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं स्मार्ट वॉच में। राइट साइड में आपको वॉल्यूम का ऑप्शन मिलता है, नीचे आपको कट करने का ऑप्शन मिलता है कॉल को, साथ में जो भी ड्यूरेशन जितने भी टाइम तक आप बात करते हो वो भी स्क्रीन पे शो होता है। तो देखिए अंडर 1500 रुपीस में इतने सारे फीचर्स कॉलिंग में आपको दिए गए, तो ये चीज मुझे यहाँ पे अच्छी लगी है। और एक चीज मैंने ऐड नहीं की थी वो है माइक क्वालिटी और स्पीकर। जो माइक क्वालिटी है ना ये अच्छी है, साथ ही में जो इस स्मार्ट वॉच का स्पीकर है ना ये लाउड और आपको गुड क्वालिटी का मिल जाएगा। नॉइस कलर फेड कैलिबर बस की जो बैटरी है ना ये काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। जी हाँ, जितने भी टाइम से मैंने इस स्मार्ट वॉच को यूज किया है बैटरी बैकअप मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। और यही मैं बोलूँगा कि नॉइस के जो बैटरी बैकअप होते हैं ना स्मार्ट वॉचेस में ये बहुत ही अच्छे होते हैं। लगभग मैंने 80% से स्टार्ट किया था, अभी भी प्रेजेंट में 62% है, शायद आपको दिखेगा नहीं। तो बैटरी बैकअप है ना बहुत ही अच्छा है, वायर्ड चार्जिंग है। और अगर इस प्राइस की अगर आप देखते हो इस प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बैटरी बैकअप आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। अब हम इस स्मार्ट वॉच के UI एक्सपीरियंस की बात करते हैं। पर्सनली जो नॉइस के स्मार्ट वॉचेस होते हैं उसका जो UI एक्सपीरियंस है मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, साथ में इस प्राइस सेगमेंट में आपको काफी अच्छा UI एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर आप स्वाइप राइट या फिर स्वाइप लेफ्ट करते हो तो आपको यहाँ पे हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन, स्लीप, स्ट्रेस ये सब चीजें देखने को मिलती है। एंड साथ ही में अगर आप स्वाइप डाउन करते हो तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे, जो भी नोटिफिकेशन आपको आएगा यहाँ पे शो करेगा। साथ ही में जैसे आप स्वाइप अप करते हो आपको यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलता है साइलेंट मोड का, फिर यहाँ पे ब्लूटूथ का ऑप्शन है, फिर यहाँ पे ब्राइटनेस है, फिर यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन, नीचे अल्ट्रा पावर बैटरी है, साथ ही में राइट साइड में आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलता है। बट एक चीज ऊपर देखिए, ऊपर आपको यहाँ पे बैटरी परसेंटेज भी शो करेगा जो कि बहुत ही अच्छी बात है। राइट साइड में आपको यहाँ पे टाइमिंग भी शो करती है और काफी अच्छा UI एक्सपीरियंस। साथ में आपको ये भी बता दूं जो स्वाइप आप करते हैं जो टच रिस्पॉन्स है ये भी आपको बहुत ही अच्छा मिलता है। साथ में जैसे आप बटन पर प्रेस करोगे यहाँ पे आपको नॉइस हेल्थ का ऑप्शन मिलता है, नॉइस बज मीन ब्लूटूथ कॉलिंग, क्लॉक का ऑप्शन है, वर्कआउट, स्पोर्ट्स रिकॉर्ड, रिमाइंडर, म्यूजिक का ऑप्शन है, साथ ही में वेदर, वॉच फेसेस है, स्टॉक्स है एंड साथ ही में फ्लैश लाइट, सेटिंग का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको ब्राइटनेस, रिंग टोन, वाइब्रेशन और रिस्ट अवेक, साथ में ब्राइट स्क्रीन टाइम और साथ ही में यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन। मेन्यू स्टाइल में आपको 2 मेन्यू स्टाइल मिलते हैं, आप चाहे तो सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही में आपको यहाँ पे आपको ये भी बता दूँ ऑटो स्पोर्ट्स डिटेक्शन का ऑप्शन है, अबाउट कॉल्स, डिवाइस इन्फो, QR कोड रीबूट और साथ ही में पावर ऑफ रीसेट का ऑप्शन है। सो जो UI एक्सपीरियंस है ना ये बहुत ही अच्छा है और साथ ही में जो टच रिस्पॉन्स है ना ये भी इस प्राइस सेगमेंट में आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। अब मैं आपको इस स्मार्ट वॉच के फीचर्स बता देता हूँ। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ये जो स्मार्ट वॉच है ये IP68 वाटरप्रूफ है, मींस अगर ये पानी में भीग जाती है या फिर कुछ टाइम के लिए गिर भी जाए तो कोई भी इफेक्ट स्मार्ट वॉच पे नहीं पड़ेगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी है। साथ ही में आपको SpO2, हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन ये सभी चीजें देखने को मिलती है। स्पोर्ट्स मोड है, साथ में वर्कआउट्स भी है जहां पे मोड है आप जाके कोई भी वर्कआउट कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको यहां पे बता दूं, डू नॉट डिस्टर्ब, साइलेंट मोड, अल्ट्रा पावर बैटरी मोड ये सभी फीचर्स स्मार्ट वॉच में दिए गए। तो अगर आप स्मार्ट वॉच यूज करते हो तो सारे फीचर्स को ट्राई कीजिए, फीचर्स भी आपको यहां पे डिसेंट बोलूंगा मैं और अच्छे फीचर्स भी यहां पे मिल जाएंगे। और अगर आप लोग मेरे ओपिनियन की बात करते हो इस स्मार्ट वॉच के रिगार्डिंग, तो ये जो स्मार्ट वॉच है ना नॉइस कलर फिट कैलिबर बस ये मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। देखिए इस प्राइस सेगमेंट में जो डिस्प्ले है ना बहुत ही अच्छी है, साथ ही में जो कॉलिंग फीचर्स है ना ये भी आपको बहुत ही अच्छे दिए गए, और जो बैटरी बैकअप है ये तो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। सो अगर आप इस स्मार्ट वॉच को लेने का सोच रहे हो तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। साथ ही में अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।